और ये दुख की बात है, हम लोग इतना दुखी हुआ कि दोनों 17 अगस्त से गायब है। तो यहाँ से कितना आदमी गया उसको मैं बताऊंगा। हम लोग यहाँ से 13 आदमी चला गया। 13 आदमी में फर्स्ट तापी मरा है निको दाओ करब्या वालों चाकब यकली सेंया यकली कति लंगचू दमिंग वरम चेचो लंगचू नोकिया यकली अफा सड़िया और चोया चोया सड़ो रामा सड़ो और चेचो लंगचू। ये 13 आदमी चला गया। तो वहीं से 11 आदमी वापस आया। तो मैं ये कहना चाहता है बिहाफ ऑफ ओल्ड प्रोज वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से और निकू दाव का फैमिली तरफ से, तो वही हम लोग का मांग है कि निकू दाव और तापी मरा का दोनों का कहाँ में खोया है और कौन सा जगह में है, उनको मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहता है। दो बार सर्च ऑपरेशन करके वो दोनों को कपड़ा तक कुछ जो भी सामान तक मिलने से बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग फैमिली का तरफ से भी बहुत शांति रहेगा। और मैं धन्यवाद फिर देना चाहता है हमारा डीसी सेपा और सेपा का जितना एचओडी ने बहुत सा सच ऑपरेशन में और बहुत सा साथ दिया। और हमारा और मेरा एक ये कहना चाहता है निकू दाओ आन ट्रेन है लेकिन ट्रेनिंग किया पहाड़ उड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं किया, फिर भी हमारा तपिस मरा साहब ने चुना है। क्योंकि मैं अपने का तारीफ नहीं करता, अरुणाचल में हम लोग पूरे लोग पहाड़ उड़ने में थोड़ा सा इस्तेमाल होता है सब जानता है, इसलिए वो चुना होगा। नहीं तो वो अनट्रेन था, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं अनएजुकेटेड पर्सन है। तो वही दुख से कहना पड़ता है। फिर उनका फैमिली लोग भी तो वही अभी तक आशा है मेरा निकू दाव कब आएगा। वो एक अनंत लड़का है। तो वो परिवार को वो चलाता था, वो हमारा पूरी कम्युनिटी में वो लड़का बहुत सिंसियर है और होनेस्टी भी है और अच्छा अपना परिवार में भी बिहेव करता है ना। तो वो अभी खोया, हम लोग भी बहुत दुख है। और मैं बार बार कहना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जितना भी जो वेलफेयर सर और जितना भी जो सोशल लोग हम लोग को ये साथ दे के दोनों को कैसे भी उन दोनों कहाँ में है और कौन सा जगह में है उनका कपड़ा या जो भी सामान मिलने से अच्छा है। मैं इतना अभी महाराज जी एंड श्री निकू दाव जी दोनों लापता है ख्यारी सप्तम माउंट टेन के एक्सपीडिशन में, और ये चर्चा सारे स्टेट में चल रहा है। और हमें बहुत खेद है कि इतने सर्च ऑपरेशन होने के बावजूद भी आज तक उनके बारे में कुछ खबर नहीं मिली है। फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमें अच्छी खबर मिलेगी। और बात ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के निकू दाव जी जो लगभग 22 ईयर्स के एक यंग मैन है, ना ही वो एक ट्रेंड माउंटेनियर है, ना ही वो लिखा पढ़ा था, अनएजुकेटेड था, फिर भी वो फिजिकली और मेंटली फिट होने के कारण मारा सर ने उन्हें अपने से सिलेक्ट करके उन्हें सिखाते हुए अपने साथ ले गए। और इस एक्सपीडिशन में एक जो जानकर जो ट्रेन नहीं वाला एक लड़का ऐसा ही गायब हो रहा है जो बहुत दुख की बात है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे मारा सार के लिए सारा स्टेट उनके अपने आदमी और सारा राज्य प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो सेफली वापस आए, वही सेम प्रार्थना वही सेम फीलिंग वही वही दुख निकू दाव के लिए भी सब करे। सबके दिल में ये प्रार्थना होनी चाहिए कि दोनों सही सलामत वापस आए। आप देख रहे हैं ये निकू दाव का भैया है, ये भाभी है, ये लोग गांव के लोग हैं, इनोसेंट पीपल है, दे लिव इन सच इंटीरियर प्लेसेस। वो अपने दुख तकलीफ को भी यहाँ नहीं बता पा रहा है, दे कांट इवन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। उनके दिल में क्या दुख गुजर रहा है, क्या तकलीफ गुजर रहा है। वो सरकार से कुछ कहना चाह रहा है कि उनके भाई को जल्दी लाइए, जैसे कि ये बार बार बता रहे हैं कि ये लोग तो गांव में रहते हैं। निकू दाव जो भाई था वो थोड़ा बाहर रह के भले ही वो कुछ मतलब उतना लिखा पढ़ा ना हो लेकिन बाहर घूमकर 1-2 रुपया कमा के अपने भाई बहन को पढ़ाते थे, इनके घर को चलाते थे। आज जब वही नहीं है, वो लापता हो गया, उसका कुछ खबर भी नहीं मिल रहा है, तो इन परिवार को बीच में ये इतने दुख तकलीफ से गुजर रहा है, वो अपना दुख को भी नहीं बता पा रहा है। इसलिए मेरा सरकार से एकदम हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पूरा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का तरफ से, ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का तरफ से मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि
जब तक ये सर्च ऑपरेशन खत्म ना हो आप किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से बार बार कोशिश कीजिए और दोनों का खोज खबर अंतिम शरण तक दोनों का खोज खबर लाने के लिए ट्राई कीजिए। और ये मैं सारे लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ये है आस्को है, ये दोनों परिवार के साथ में हमेशा इस दुख की घड़ी में हमेशा खड़े रहेंगे और किसी भी प्रकार का सहायता अगर इन दोनों परिवार को चाहिए तो हम लोग हमेशा रेडी है और हर संभव सहायता देने के लिए हम हर संभव हर समय कोशिश में रहेंगे। धन्यवाद। गुड। ओके। भी होने से भी मतलब साथ में दुख के साथ में जब तक नहीं मिलेगा तब तक साथ देने के लिए कोई एपेल है। और फैमिली वाला जो एकदम पूरा इमोशनल बोला दुख में है, पूरा तकलीफ में भरा हुआ है, क्यों बोलने से वो लोग जो यहाँ में मतलब कि नहीं आ सकता, वो लोग बस्ती में बैठता है तो ना उस दिन आया था, आके काल का दिन में उसका दीदी लोग चला गया है। तो इस वही है कि मतलब कि हम सब भी बहुत दुख है, बहुत चिंता है हम सब का। एक यहोवा जिसे कि अनाथ भी बच्चा है, माँ बाबा नहीं है, अनाथ से होके वो थोड़ा टैलेंट होके थोड़ा जानकार होके अपना दीदी बहन को ना अपना भाई लोग को पूरा वही देखभाल करने वाला, इसलिए उसका दीदी और इसका फैमिली का तरफ से बहुत दुख है, बहुत ये है ना। और हम एक भाभी है, हमको भी वही बोला है कि क्या आप लोग कैसे करके थोड़ा साथ देगा, कैसे करके मीडिया तक पहुँचना है, कैसे करके आप लोग हम सब का बात को राख देने से ठीक है बोल के ना हमको इसे बोल के इतना बार बार हमको मतलब रिक्वेस्ट करने का वजह से हम जो इसका बाद में PW का जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट को साथ में रिक्वेस्ट किया ऐसे करके, तो इसका बाद में ऐसे करके आप सबका सामने में यही बात हो रहा है। आप लोग किसी भी होने से इस न्यूज़ को देखने वाला आप लोग गर्मिंग से लेके और मतलब बीमा कांडू से लेकर ना सीएम से लेकर गर्मिंग पूरा साथ दे के जिसे भी हो नहीं मिलने तक किसी भी। और टाइम का बोलने से वही है, एकदम वेदर जो क्लियर जो 5 बजे से 7:30 तक पूरा वेदर क्लियर होगा और हर सुबह में ना हर शाम को, उसका बीच में तो कभी भी वहाँ में मतलब अभी का समय में मतलब बिना बादल से नहीं रहेगा, उस समय में तो पूरा क्लियर होगा। वो एक कहानी पहले से रखा गया था ना, तो इतना में ही बात को रखी।